नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं एशियन भारत। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने में। आज हम चर्चा करेंगे 14 नवंबर के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जो हमारे इतिहास के पन्ने में दर्ज है। इस दिन दुनिया भर में कई ऐसी घटनाएं हुई है जो आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 14 नवंबर 1889, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का इस दिन जन्म हुआ था। आपको बता दें कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने कुल 16 साल 286 दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अपनी सेवाएं दी थी। नेहरू का जन्म 14 नवंबर को हुआ था। ऐसे में हर साल 14 नवंबर को नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर चिल्ड्रंस डे का आयोजन किया जाता है। उन्हें हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। 14 नवंबर 1922, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने ब्रिटेन में रेडियो सेवा की शुरुआत की। बीबीसी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर है। 18 अक्टूबर 1922 को लंदन में इसकी औपचारिक तौर पर स्थापना हुई थी। कुछ शो के स्टेशनों के बंद होने के बाद बीबीसी ने 14 नवंबर 1922 को अपना पहला डेली रेडियो सर्विस शुरू किया था। शाम 6 बजे पहला प्रोग्राम शुरू किया गया था। ये एक न्यूज बुलेटिन था, खबरें न्यूज एजेंसियों ने दी थी। इसके बाद मौसम का पुनर्अनुमान बताया गया। इसे ब्रिटेन के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने मुहैया कराया था, जिसे मेट ऑफिस कहा जाता है। ये बुलेटिन अंग्रेजी में पढ़े गए थे। इन्हें डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम्स आर्थर बरोज ने पढ़ा था। 14 नवंबर 1948 में ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स का जन्म हुआ था। वह महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप के सबसे बड़े पुत्र हैं। 14 नवंबर 1948 में चार्ल्स का जन्म बंगेमम पैलेस में हुआ था और वे उस समय एडिनबर्ग की डचेस राजकुमारी एलिजाबेथ और एडिनबर्ग के ड्यूक फिलिप के पहले संतान थे। किंग जॉर्ज चार और महारानी एलिजाबेथ के पहले पोते चार्ल्स थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा वेस्ट लंदन के हिल हाउस स्कूल में प्राप्त की थी, जहाँ विद्यालय के संस्थापक और तत्कालीन अध्यक्ष स्टुअर्ट टाउनेंड के द्वारा उन्हें गैर तरजीह व्यवहार के अंतर्गत रखा गया। 26 जुलाई 1958 में चार्ल्स को प्रिंस ऑफ वेल्स और अर्ल ऑफ चेस्टर बनाया गया। 14 नवंबर 1964, आज के दिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का आधिकारिक ऐलान किया गया था। 14 नवंबर 1990 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्मे जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से खास लगाव था। उन्हें बच्चे चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। भारत में 1964 से पहले तक बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उनके जन्मदिन अर्थात 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला दिया गया। कई देशों में 1 जून को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कुछ देश संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुरूप 20 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर 1969, अपोलो 12 को प्रक्षेपित किया गया, जो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर के आकाश के अनंत गहराइयों को पार करते हुए चंद्रमा पर पहुंचा। आपको बता दें 14 नवंबर 1969 को अपोलो 12 को प्रक्षेपित किया गया था। यह अंतरिक्षयान 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर के चंद्रमा पर पहुंचा था। अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा की मानव उड़ानों को श्रृंखला को अपोलो कार्यक्रम कहा जाता है। इस श्रृंखला में सैटर्न 5 रॉकेट और अपोलो यानों का इस्तेमाल किया गया था। यह श्रृंखला साल 1961 से 1974 के बीच चली थी। साल 1969 में अपोलो 11 की उड़ान ने चंद्रमा पर मानव भेजने का सपना पूरा किया था। 14 नवंबर 1973, महारानी एलिजाबेथ की एकमात्र पुत्री राजकुमारी एनी ने फौज में लेफ्टिनेंट मार्क फिलिप्स से विवाह किया। यह शाही परिवार के किसी सदस्य का किसी आम शहरी से विवाह करने का विरला अवसर था। तो दोस्तों, 14 नवंबर का दिन भी ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है, जो न केवल अपने समय में महत्वपूर्ण थी बल्कि आधुनिक समय में भी उनके प्रभाव को महसूस किया जाता है। ये घटनाएं हमें सिखाती है कि इतिहास की गहराई में ऐसे अनगिनत पल छिपे होते हैं जो हमारे वर्तमान और भविष्य को आकार देते हैं। फिलहाल इतिहास के पन्नों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।